परमार साहब हैं जो हमारे नेचुरलिस्ट हैं पन्ना नेशनल पार्क कैन घड़ियाल सेंचुरी में जी खजुराहो में। हम यहाँ पर रैने फॉल्स पे आए हैं और ये आप ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल फॉल है और इस मानसून का टाइम है अगस्त के महीने, इससे खूबसूरत आप सोच भी नहीं सकते। और पीछे बादल मानसून के दिख रहे हैं, घने बादल। आज लगता है बहुत ज़ोरदार तेज बारिश होने वाली है। अब हमें परमार साहब कुछ इस घोस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ये घोस्ट्री, पहली बात आप इसको घोस्ट्री क्यों बोलते हैं परमार साहब, बता सकते हैं? सारे घोस्ट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रात में चमकता है रेडियम की तरह जी, और ये एक साल में 3 बार कलर चेंज करता है। और यदि अभी तो ये ब्राउन टाइप का दिख रहा है जी, यदि बारिश हो जाए तो पेड़ पूरा ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद ब्राउन के बाद वाइट रहता है। और ये जो पेड़ सलाई का, जिसकी धुंध से मोमबत्ती जी आपने बताया, इसके ऊपर माचिस का तीली बनाते हैं। और हमारे इधर बुंदेलखंड में इसको अमरबेल बोलते हैं, जब शादी होती है तब इसके सातपरे लगाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा अमर रहते, कभी मरती नहीं है। रामायण में इसको संजीवनी बूटी भी कहा गया है। अच्छा, ओके जी। और ये जो काला पेड़ है, जो तेंदू पत्ता है जी, इसकी बीड़ी का, जिससे बीड़ी बनाते हैं, फल भी आते हैं, जो चीपे जैसे मीठ होते हैं। और ये बड़े पत्ते वाले से सागौन है जी, और वो तो हमारे यहाँ भी बहुत है सर। आपको उधर है मगर आपको मालूम नहीं होगा, ये हम वहीं से पत्ता तोड़ के ले आ रहे हैं सर। ये सागौन का पत्ता है, सागौन का पत्ता है, ठीक है जी। और इसमें अभी बिल्कुल हरा है, कोई कलर नहीं है जी, एकदम ग्रीन है। इसको मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर सिर्फ आप मसल रहे हैं जी। हाँ, अब देखिएगा सर, लाल रंग आ जाएगा जी, ये आ गया सर खून की तरह बिल्कुल। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं जी, ले लीजिएगा। जैसा मैंने किया वैसे ही आप देखिए, ये भी कर रहे हैं। देवेश तुम्हारे हाथ खूनी होने वाले हैं, खून से रंगे हाथ। तो पहले राजा महाराजों को टाइम पे सीख का कला यूज करते थे सर। किस टाइम पर, होली पे या कैसे? जब कोई अच्छा बड़ा त्यौहार आता है जैसे होली है या दीपावली है तो टीका लगाते थे, इसलिए इसका नाम टीक है। अच्छा, टीका से ही टीक है? टीका जी। ओके, बहुत बढ़िया जी। ये चीज़ मेरे लिए नहीं है कि टीका से ही टीक बोलते हैं, मना तो दुनिया भर में इसको टीक बोला जाता है। और टीक, असम टीक तो हमारे यहाँ बहुत फेमस है। बिल्कुल। तो अब हम आपको नीचे ले चला है, तो दिखा रहा है नियाग्रा फॉल और इंडियन ग्रैंड कैनियन। आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है सर, यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। माथे पे तिलक लगाते हैं ना अगर, तो इतना बढ़िया बनाया था तो दोबारा तोड़ के तिलक लगाओ ना। और ये रिंगुड़ी है बाइल बसीली, जो कि आयुर्वेदिक मसाज में आते हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, सूजन है, तो इसका अपन गर्म करके बेसिल फैमिली बसीली फैमिली से, वही बेसिली है, उसी में लगा सकते हैं। तो ये तुलसी जी, तुलसी ही है। ये दीपक आपको नीचे जी फॉल दिखाए, बहुत खूबसूरत। अमेरिका जाने का खर्चा ना करें, सच बात है। परफेक्ट ब्रांडिंग नियाग्रा फॉल, हमारे देश में इतनी खूबसूरती, इतनी ब्यूटी है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त अगस्त के महीने में इतनी ठंडी हवा कि शायद मुझे जैकेट मिल जाए, मैं जैकेट भी पहन लूँ। शायद वो मानसून के बादल, कहीं पीछे बारिश हो रही होगी जिसकी वजह से ब्रीज जो है काफ़ी ठंडी है। बहुत प्लेजेंट, बहुत बढ़िया। ये टाइगर पानी पीने के लिए रुका है यहाँ पर। अब मैं आगे जाता हूँ, तुम थोड़ा सा शूट मुझे भी कर दीजिए इसके अंदर। जोर से। हाँ हाँ, आइए हम आपको लेकर चलते हैं जन्नत में। श्योर सर। हाँ, जी देखिए, इसको बोलते हैं इंडियन ग्रैंड कैनियन। ये जो कैनियन है 5 किलोमीटर तक लंबी जा रही है,
उसके बाद आगे चौड़ी हो जाती है, नदी का रूप रख लेती है। यहाँ पे पांच प्रकार के रॉक्स है, ये ब्लैक में बेसाल्ट है, ये पिंक में ग्रेनाइट है, ये नीचे हल्का सा ग्रे कलर है जो डोलोमाइट है, यहाँ पे हल्का रेड है वो जैस्पर है, उसके ऊपर जो शाइनिंग कर रहा है वो क्वार्ट्ज है। तो ये रॉक्स आपको एशिया में एक जगह पर नहीं मिलेंगे, वाटरफॉल तो आपको कई सारे मिल जाएंगे सर। जब ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि वो धुआं उठ रहा है ना सर, ऐसे हर जगह धुआं धुआं दिखता है, तो उस समय इसको मिनी नियाग्रा फॉल कहा जाता है, और इसकी आवाज़ खजुराहो तक नाइट में सुनाई देती है। यहाँ से खजुराहो है कितनी दूर? और यहाँ पर पहले कोई बैग नहीं थे, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए, दो विदेशी मैडम वहाँ पे नहा रहे थे वो बैग से, उसके बाद एक स्पिन का ग्रुप वहाँ पर गिर गया। बारिशों के टाइम पर तो हेलीकॉप्टर, बारिशों के टाइम पर तो नहाना बेवकूफ़ी है, वो तो आत्महत्या ही लेकर तब से हम लोग को लाइसेंस दे करके रखा गया। बारिश शुरू हो गई है, पहले एक शेल्टर लेना पड़ेगा, और अगर नहा रहे तो आप नहा भी सकते हैं। और मेरे से वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है भाई, हम वहाँ पे ले सकते हैं सेंटर से। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको एक बार बंद कर दिया ना।